मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी। शंभुनाथ रे ओ शंकर नाथ रे, पगारा मांग रगड़ के बोली, तेरे साथ है भूतों की टोली। शंभुनाथ रे ओ शंकर नाथ रे, चुका है इसमें राई डाल चुका हूँ। अब इसमें हम डालेंगे मिर्ची, ये हमारे फल्ली दाने दाने ग्राइंड किए हुए डाल देना है। अब लगभग ये आधा चम्मच काली मिर्ची जाएगी, क्योंकि लाल मिर्च हम इस्तेमाल नहीं करते हैं व्रत के समय। बाकी समय तो हम दबा के मिर्ची खाते हैं, स्पाइसी फूड ही खाते हैं। इसमें हरी मिर्च भी गई है और काली मिर्च स्वाद अनुसार। नमक ऐड हो गया है इसमें, इसका नमक भी अलग ही रखते हैं। इसको हिलाते रहना, अगर हिलाना छोड़ोगे तो ये मूंगफली बहुत जल्दी चिपक जाती है, तो इसको फटाफट हिलाएंगे, देर नहीं करना है, हिलाते रहना है। इस पे अब हम डालेंगे साबुदाना। साबुदाने ऐसे अलग अलग होने चाहिए, ऐसी होनी चाहिए साबुदाने की टुकड़े अलग अलग, अलग अलग, बिल्कुल मजा आ जाता है। फिर मजा आता है, दाने अलग रहे, हाथ लगा के दिखाता हूँ, देखो एक दाने गरम है, कुछ नहीं होता। उसमें जाएगा ढेर सारा नींबू, क्योंकि हमको खट्टी ही पसंद है। उसमें जाएगा कम से कम 3 नींबू और दही भी लेंगे हम साथ में। इसके बिना वो गुलशन ग्रोवर जी का एक वो है ना डायलॉग, जीने का मजा तो खट्टे में ही है। इधर देख के बोल रहे, गुलशन ग्रोवर जी का डायलॉग नहीं है, जीने का मजा तो खट्टे में ही है। आखिरी काम सबसे इसमें मिलाने हैं आलू, तो ये सारे आलू हम इसमें डाल देते हैं और अब इन सबको मिला लेना है। इनको ऐसे बकेट में रखा हुआ था क्योंकि इनका जार टूट चुका था, तब इनको निकाल के इसमें डाल रहे हैं। कर लो आ जाए यार, तू मेरे को नहीं पहचान रही, कर लो क्या कर क्या रही है, करना क्या चाहती है। एक सेकंड, ये चली गई अपनी जगह पे। अभी सामान हटाना पड़ेगा क्योंकि सब सामान यहाँ से हट जाएगा, इतने दिन से जार नहीं था तो हमारी मच्छू की जगह है ये, सूखा है ना, इसके ऊपर आ रहा है पानी, पिएगा तब। इतने दिन से जार नहीं था ना तो वैसे ही रख दिया था सब, बहुत सारा सामान हो गया उसके ऊपर। और वो बल्ब की सेटिंग उसके लिए की हुई क्योंकि लाइटिंग की कोई सेटिंग नहीं है हमारे पास, क्योंकि जार में रखते हैं हम लोग। अभी जब खुद का घर हो जाएगा या मैनेज कर पाएंगे तब हम फिर एक्वेरियम बनाएंगे। इसको भैया पेपर में लपेट के और पॉलीथिन में दे रहे थे, मैं दूसरी शॉप से लाया हूँ, ये रेगुलर शॉप पे नहीं गया था। एज यूजुअल मैं बोला भैया चरस गांजा थोड़ी दे रहे हो यार, हम पैंट शर्ट खरीदते हैं तो पेपर में लपेट के लाते हैं छुपा के, वैसी चीज है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो ये मेरी वाइफ का गिफ्ट है, दूरी अभी भी बना के रखूंगा, पूजा करनी है भाई आज हम शाम को। तो फिर तब तक के लिए जय श्री राम, हर महादेव, श्री शंभु। खेलने का नहीं बेटा, मम्मा के काम में चीज है। और मच्छों के लिए घर तो ये हमारी पूजा का पूरा सामान है, बेलपत्र, फ्रूट, हल्दी, सिंदूर कुमकुम वगैरह, चूड़ी श्रृंगार का पूरा सामान। वैसे तो पम्मा चढ़ा देती थी नॉर्मली जब पूजा करती है, तो आज अकेले करना है तो मैं ही चढ़ाऊंगा। ये भगवान के वस्त्र, ये अलग अलग प्रकार के चंदन कुमकुम के टीके जो भी होते हैं, बहुत सारे प्रकार के वो सब हैं। अष्टगंध है,
गंगा जल है और उस पॉलिथीन में मैंने रखा हुआ है अक्षत, ये चंदन, चंदन की ये लकड़ी है, और ये रहा फूल भांग, अक धतूरा बेल, बाकी सब चीजें भगवानों के स्थान के लिए पंचामृत। वैसे पंचामृत बोलते हैं ना, सात आठ चीजें डाल रहा हूँ इसमें मैं। तो फिर आइए पूजा स्टार्ट करते हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव। पूजा करते समय एक चीज का विशेष ध्यान रखें कि सबसे पहले आसनी जरूरी है एक तो, और पूजा करने वाले दोनों आदमियों के सर ढके होने चाहिए। ओम श्री गणेशाय नमः, हर हर महादेव। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्ना लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मी, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोले बाबा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय हो मेरी मैया की। यहाँ पे भोले बाबा के लिए मैं चंदन घिस रहा हूँ। पूजा स्थापित करने के लिए चौरंग रख रहा हूँ। ये मैंने एक बेलपत्ती ली है, बेलपत्ती के ऊपर मैंने भोले बाबा की प्रतिमा रखी है। इसी प्रतिमा के ऊपर हम 108, 501, आप जितनी चाहे उतनी बेलपत्तियाँ ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए रख सकते हैं। सबसे पहले इन्हें हम अक्षत, हल्दी और कुमकुम सभी चीज़ें लगाएंगे। ये हमने यहाँ पर पूजा कर ली है, 108 मैंने भोले बाबा पे चढ़ा बेलपत्ती चढ़ा दी हैं, और इसके बाद अब हम बाकी पूजा कर रहे हैं। अब ये यहाँ पे मैं मौली ले रहा हूँ, मौली से हम गठबंधन करेंगे। भोले बाबा के विवाह में गठबंधन में गांठें नहीं पड़ती हैं, बट सीधा सीधा मौली रहनी चाहिए। मेरे घर में ऐसी ही पूजा होती थी तो मैं वही पूजा करता हूँ, उसी प्रकार से फॉलो करता हूँ। और हमारे यहाँ शिवलिंग के साथ मैया की पूजा की जाती है, प्रतिमा के साथ नहीं की जाती है। सभी के अपने अपने रिवाज रहते हैं, तो मैं अपने ही घर के इसी प्रकार की रिवाज को फॉलो करता हूँ, और मेरा बेटा वहाँ पे बैठ के साथ पूजा कर रहा है। तो बस अब ये मैं गठबंधन कर रहा हूँ, और वही बातें मेरे और मेरी वाइफ के बीच में चल रही हैं। जय भोले बाबा, हर हर महादेव। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं पूर्वारोग्य बन्धनं मृत्युमोक्षिमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं पूर्वारोग्य बन्धनं मृत्युमोक्षिमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं पूर्वारोग्य बन्धनं मृत्युमोक्षिमामृतात्। श्री शिवाष्टक। जय श्री शंकर, जय गंगाधर करुणा कर करतार हरे, जय कैलाशी, जय अविनाशी सुखराशी सुखसार हरे, जय शेखर, जय डमरूधर, जय जय प्रेमागार हरे, जय त्रिपुरारी, जय मधारी अमित अनंत अपार हरे, निर्गुण जय जय सगुण अनामय निराकार साकार हरे, पार्वती पति हर हर शंभो पाहि पाहि दातार हरे, जय रामेश्वर, जय नागेश्वर वैद्यनाथ केदार हरे, मल्लिक अर्जुन सोमनाथ, जय महाकाल ओंकार, विभीषण विश्व रूप प्रलयंकर जग के मूल आधार हरे, पार्वती पति हर हर शंभो पाहि पाहि दातार हरे, भोलानाथ कृपालु दयामय ऑर्डर दानी शिव योगी, सरल हृदय अति करुणा सागर अखत कहानी शिव योगी, निमिष मात्र में दे देते हैं नवनिधि मन। मेरा पाठ हो गया है, उसके बाद मैंने हवन कर लिया था। अभी हवन सभी भगवान जी को देते, ये हमारी सिंपल सादी सी पूजा। यहाँ पे शिव पार्वती, नंदी महाराज और गणेश जी है। बस हमारे यहाँ कार्तिक भगवान जी नहीं है तो वो नहीं रख पाया मैं। ये हमारी सिंपल सादी सी पूजा, और ये पूजा हमारी संपन्न हो गई। बस अब हम आरती करेंगे। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जी पार्वती पिता महादेव, शिव ओंकार ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोलेनाथ महादेव, हर धाम गौरी मैया जय श्याम गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत मैया जिसको सब ही मनावत, हरि ब्रह्मा शिवरी ओम जय अम्बे गौरी।
पाए तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु सखा तमेव तमेव विद्या द्रवणं तमेव तमेव सर्वं मम देव देव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे हर्षं केशवं राम नारायणं जानकी वल्लभं वसुदेव हरि ये लो जी आपकी खिचड़ी आपकी चीनी पानी दे रहा हूँ। खैर आप कुछ तो सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। पूजा पाठ हो चुकी है, भगवान को भोग लग चुका है, सारा काम हो चुका है अपना। तबीयत ठीक नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है तो कोई बात नहीं, अपना सब काम। अब बैठ सकते हैं, अब बैठ सकता हूँ। पूजा पाठ सब हो चुका है, इन्होंने प्रसाद का हलवा वगैरह सब बना लिया है, कंद का हलवा, शकरकंद का हलवा बना, उसके बाद ही यहाँ बैठे हैं। सब हो चुका है, अब मैं उस कमरे में जाऊंगा ही नहीं, जब से कल सुबह जाऊंगा नहा के। प्रसाद भी बांट चुके हैं हम, जो कुछ करना है सब कुछ कर चुके हैं, अब मैं फ्री। और लोग शिवरात्रि में रात्रि जागरण भी करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ शुरू से ही मतलब ससुराल में हमारे घर में विवाह हो जाता है, उसके बाद मतलब आरती करके फ्री हो जाते हैं। मतलब कभी ऐसा शुरू से रात्रि जागरण नहीं रखा घर पे, तो नहीं रखते हैं। बाकी मोस्टली लोग रखते हैं, अच्छी चीज़ है वो भी। मेन मत है कि जैसा मतलब पहले से चला आ रहा है उसी को हम फॉलो कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मेरे नाना जी क्या होता था रात्रि जागरण, बाकी ये मेरा चेहरा पसीने से आपको दिख रहा है, जो मैं इतना फ्रेश दिख रहा हूँ आपको, मेरी फ्रेश त्वचा कर रहा है पसीना, पसीने से तरबर हूँ क्योंकि दिल्ली में गर्मी आनी शुरू हो चुकी है। अभी सीटू ने खिचड़ी गर्म करके दी, खिचड़ी इन्होंने सुबह ही बना ली थी, क्योंकि मॉर्निंग खिचड़ी इसलिए बना ली थी कि देव को देना था, देव को खिचड़ी खाना ही था, वो दोनों टाइम जिस दिन साबुदाना बनता है तो कुछ ज्यादा ही हो जाता है, इसलिए उन्होंने सुबह फ्राई कर दी थी, उसको सुबह भी खिचड़ी दे दी थी, अभी भी दे दी है, और अभी मेरे लिए फिर अब गर्म कर दी है, ये भी खाएंगे ही बस अब। तो फिर चलिए ब्लॉक कर देते हैं यहीं पे एंड। मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी, शंभुनाथ रे ओ शंकर नाथ रे, अगारा मांग रगड़ के बोली, तेरे साथ है भूतों की टोली, शंभुनाथ रे ओ शंकर नाथ रे। मैं भोला है भंडाली, तेरे नंदी की सवारी, ये भी मेरे घर का छोटा सा नंदी है, मेरे हमारा बैलू, हमारा मेरा बैलू है ये। आगे की लाइन आप बोलो, आगे की लाइन किसी और दिन। तो मेरा भोला है भंडारी, मेरे भोले बाबा का आशीर्वाद सभी पे रहे, जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे हैं उनको भी भोले बाबा का आशीर्वाद लगे, जो नहीं करे हैं उनको भी लगे, और जो आगे करेंगे उनको भी लगे। भोले बाबा सबकी मनोकामना पूरी करें। सब्सक्राइब करना नहीं करना, पसंद आना नहीं आना, वो अपनी चॉइस है, अपनी चॉइस है, लेकिन हर इंसान अच्छा होता है, अच्छा हो रहे, भगवान भोले बाबा का आशीर्वाद सब पे बना रहे, सब सुख रहे, सुखी रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, आबाद रहे। तो फिर हर हर महादेव, हर महादेव। हमारे एक पंडित जी हैं, एक बात बताना भूल गया, एक पंडित जी हैं छत्तीसगढ़ में, राजेंद्र चैतन्य जी, तो वो भोले बाबा के बहुत बड़े भक्त हैं। कभी भी सर्च करना राजेंद्र चैतन्य जी करके, यूट्यूब ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी करके फेसबुक पे सर्च कर सकते हैं। मैंने उनके यहाँ शंख बजाने वाला नहीं देखा, इतना बड़ा दिन है आज, तो उनको याद ना करूँ ऐसा हो नहीं सकता। अभी तो मैं नहीं कर पाया उनसे बात आज, लेकिन रात में जरूर करूंगा पंडित जी से बात में। दो शंख बजाते हैं, दो शंख बजाते हैं, और एक बार आप देखना, श्वास रोक लेते हैं, एक बार आप देखना कि उनके साथ शंख बजाने वाला मैंने नहीं देखा आज तक, एक बार देखिएगा जरूर। तो हर हर महादेव, हर महादेव, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय माता दी, हर हर महादेव, लव यू ऑल, टेक केयर, कल मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से ब्लॉग के साथ, अच्छे से, हर हर महादेव से संग। ये हलवा स्वीटू ने बनाया है, रेसिपी नई शेयर करी है, थक चुके हैं बहुत ज्यादा, देखिए आंखों में भी थकान दिख रही है उनके।